आज मैंने चाय इंस्टाग्राम वाले तरीके से बनाई है। पहले शक्कर को चाय पत्ती को पकाया है, अब मैंने सीधे बर्तन डाल के चाय पत्ती शक्कर पकाई, अदरक डाल के लास्ट में पानी डाला जब वो गल गई है। ऐसी रहा, मैंने वीडियो नहीं बनाई यार, मेरी हमेशा गलती रहती है, मैं वीडियो बाद में बनाती हूँ, कल फिर से बनाऊंगी और उसकी वीडियो बनाऊंगी। Hey guys, welcome to my vlog. आज मैंने चाय पत्ती इंस्टाग्राम के तरीके से बनाई है, मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन मैं फिर से अब कल बनाऊंगी चाय इसी तरीके से, उसकी वीडियो बनाऊंगी, देखती हूँ कैसी लगती है पीने में। मैं तो पीती नहीं, मम्मी पी के बताएंगी कैसी चाय है, मे बी टेस्ट में कुछ डिफरेंस हो, कुछ अलग लगता हो, पता नहीं, अभी तक मैंने पी नहीं है ना किसी ने पिए, तो बना के देखते हैं। छत पे जा रही हूँ कुछ सामान लेने। ओहो, छत पे गमले वाइट हो गए, पहले रेड थे, अभी भी आधे रेड है, पर वाइट कलर बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, साफ साफ सा। अब मैं दिखाती एक चीज़ और, जिसमें मैंने पेंटिंग की थी, आई मीन वो नीमो बनाया था, वो ये रहा। और ये खूबसूरत सा लिली खिला हुआ है दोनों तरफ, इधर भी और ये इधर भी, साथ में बेला भी चमक रहा है। हमारा हीरो यहाँ गर्मी से बचा, बचाओ कितना हाँफ रहा है, फैन भी अक्टस का कम क्या कहते हैं कंडेंसर धीमा हो गया था, ओह फैन धीमा चल ही रहा था, सॉरी ये गर्मी लग गई तुमको, तुम्हारी तो पानी भी रखा हुआ, देखो बैठे रहो आराम से। कैटी का दोस्त बेचारे जानवर इस गर्मी में बिल्कुल परेशान है, सब जगह बैल भी गाय भी और भी जानवर होंगे, सबको अपने घर के बाहर पानी रख दो तो कम से कम बेचारों को पानी तो मिल जाए और कहीं बैठने के लिए शेड मिल जाए तो छाए में बैठ सकें, गर्मी में कितना परेशान रहते हैं बेचारे। पहले वीडियोस में मेरी नाक कितनी बड़ी दिखती थी, अभी भी बड़ी दिख रही है पर उतनी नहीं, पहले से तो काफ़ी छोटी हो गई है, फेस भी थोड़ा सा छोटा हो गया पहले से। अभी तक इस मिरर में मैं इसके साथ फोटोज पेट के अंदर लेती थी, आज मेरे कंधे पे है, कितनी छोटी सी, कितनी छोटी सी है, मेरे कंधे पे आ गई, पहले पेट के अंदर दिखती थी, मेरे पास बहुत सारी फोटोज है जिसमें ये पेट के अंदर है, लेकिन अभी मेरे साथ मेरे कंधे पर है ना। पता नहीं बैक कैमरे से आप लोग का इसका फेस दिखेगा कि नहीं, अब तो नहीं दिखेगा, इसने खुद ही नीचे डाउन कर लिया है फेस, छोटे छोटे हाथ, थू 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 नजर ना लगे, हमें लोग की नज़र लग जाती है, दूसरे क्या लगाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये पैर सीधे करती है, अभी तक सीधे ही नहीं कर रही थी, ये फोल्ड करके ही रखती है, शायद सारे बच्चे करते होंगे पता नहीं, ये मेरे पास है तो मेरे लिए तो पहले ही है, इसलिए सब कुछ इसका नया है मेरे लिए। आज डिनर में मैं समोसे बनवा रही हूँ, समोसे बनने की तैयारी बेबी दीदी करने जा रही है, तब तक मैं इसके कपड़े धो लूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं भी समोसे बनवाने। दुर्गा जी की ये पोशाक उस दिन बन रही थी, बन तो तभी गई थी, आज पहना रही हूँ मम्मी जी, कुछ ज़्यादा घेरा लगता है, चारों तरफ से आ गई है, एक वाइट वाली फ्रॉक है वो तो और सुंदर है, उसमें डबल फ्लेयर है, नेक्स्ट टाइम जब वाली पहनाएंगे तो वाली भी दिखाएंगे। ये दुपट्टा रखा हुआ है, चुनरी, दुर्गा जी ने पोशाक पहन ली, अच्छी लग रही है। बेबी दीदी ने आलू उबाल दिए हैं, तब तक आलू उबाल गए हैं, मसाले की तैयारी कर रही हैं, चटनी बहुत मस्त बनाती हैं बेबी दीदी समोसे की, आज फोटो कैसे लग रहा है? नहीं नहीं मैं तो खींचूंगी, मेरे को देख रही है, इतना बड़ा मुंह दिखता है, फिलहाल तो पहले से छोटा हो गया है ना, अब थोड़ी थोड़ी घट गई है, और आटा मारने जा रही है समोसे के लिए, आटे सॉरी मैदे में अजवाइन और कलौंजी डाल दी, अब नमक डाल रही बेबी दीदी, नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा तेल डाल के आटा सान लेंगे। केटी भी समोसा बना ले, पार्टिसिपेट करने आई हो क्या? ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, बोली क्या बेवकूफ़ी कर रही है तुम मेरे साथ, केटी दोनों कान इसके पीछे है अभी, केटी चला क्या है, तुम्हारे को भी कुछ चाहिए क्या लोगी, पूछ देख रही है, रुको तुम लोग को नारियल देते हैं, कहाँ रखा है बेबी दीदी,
कटोरे में हाँ, हरा वाले ना। अच्छा हाँ चलो तुम लोग को नारियल मिलेगा। कैसे नारियल मिलेगा, नारियल मिलेगा, क्या बात है कैटी, एक बार में कैच पकड़ लिया आज। ये आटे में मोहन थोड़ा सा और लीजिए, देखिए बंद रहा है क्या, नहीं नहीं मत लीजिए ज्यादा हो जाएगा फिर, फिर वो समोसा तेल तेल लगेगा, मुझे तेल तेल समोसा नहीं खाना। पानी मैंने अपने लिए यहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ पे लड्डू रखा था, नहीं यहाँ इसके कपड़े सुखाने रखे थे क्योंकि लंगोट इसकी सूख रही है, तो मैंने यहाँ लड्डू रख दिया था कि मैं आके खाऊंगी, और स्टेला मैडम आई लड्डू खाई और चली गई। ये स्टेला खाई, कैटी नहीं खाई है क्यों स्टेला, कहाँ है स्टेला, ये जो मुंह चल रहा है तुम्हारा, तुम लड्डू खाई हो ना, इधर देखो लड्डू, तो लड्डू चोर हो, लड्डू चोर, इधर देखो क्यों हीरोइन लड्डू चुरा ली तुम हमारा। अच्छा भगवान यहाँ की कुत्ते नजर हटी दुर्घटना घटी, मैंने रखा था कि मैं पहले यहाँ थोड़ा सा वीडियो बना लूँ और काम करवा लूँ, उसके बाद लड्डू खाऊंगी। स्टेला मैडम आई और लड्डू खा पी के फुर्सत हो गई, क्या बात है स्टेला, इतनी तेज हो तुम, तुम जो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे ना, कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा है लड्डू चोर, नहीं तो बाहर ही अपने दोस्त को लगता है मना रहा है, ये बच्चे और ये बैल इन दोनों दोस्त हैं। इसकी सींग बड़ी हो गई, पर छोटी छोटी थी, और तुम्हारी सींग निकल आई है। स्टेला को बोला तुम्हारी सींग निकल आई, कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही हो, तुमने मेरा लड्डू चुराया है, तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा। कैसे देख रही है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखिए एक बार बेबी दीदी। नहीं मिलेगा तुमको, वो देखो वहां से कैटी भी आ गई, क्यों कैटी तुमने तो नहीं चुराया ना, कैटी भी कम चोर नहीं है। मेरे को अनु भैया ने एक बार बताया था कि भैया पिज्जा ला के रखे थे, शायद चिकन पिज्जा था, और टेबल पे रखा हुआ था, नीचे की बात है जब ऊपर वाला नहीं बना था, तो रखा हुआ था पिज्ज़ा, और भैया थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुए कुछ काम के लिए, कैटी पूरा पिज्ज़ा चोरी करके खा गई। और एक बार और चिकन शायद रखा था किचन में धुलने के लिए या धो के रखा हुआ था, बनाना था उसको, थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं हुए तो चीनी और कैटी दोनों एक साथ हुए, चीनी की पीठ पे कैटी खड़ी हुई और चोरी करके चिकन खा रहे थे ये लोग। सोचो कुत्ते कितने ज़्यादा दिमाग लगाते हैं खाने के लिए, चीनी सब टमाटर चुराते हैं, कैटी तो खूब आलू भी चुराई है, याद है आलू की तो चुराती है, चीनी भी आलू चुराती है, कल तीन आलू बड़े बड़े ले गई है। इसकी तो नजर ही नहीं हट रही, लग गई तो मेरे लड्डू चोर, देखो मेरे लड्डू ऐसे इधर इधर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ ऐसे नजरें घूम रही है, नहीं दूंगी। ये आलू का मसाला भून रहा, वो उसको धनिया का था, ये अदरक लहसुन मिर्ची सब भून रहा है, आलू ये रहा, मसाले डाल दिए मैं, यहाँ सौंफ और धनिया भून रही हूँ, इसको डाल दूँगी, आलू भी डल गया, मसाला भूनता रहेगा, वो धनिया काट के रखी हुई है बेबी दीदी, डाल दीजिए, और तब ये भून रहा है, अब ठंडा हो जाए तो फिर समोसे में डालें। मेरा सिर दुख रहा है, और अब बांध के रखा हुआ है, वैसे ही मम्मी लोग बोलती हैं कि सिर बांध के रखना चाहिए 30-40 दिन, पर मैं बांध के नहीं रखती हूँ, और जब दुखने लगता तो डर के मारे बांध देती कि ज़्यादा ना तकलीफ हो जाए। बेबी दीदी लगी हुई समोसा बनाने में, समोसा एक्सपर्ट हैं ये। कैटी बैठी है इसकी बॉडी गार्ड यहाँ पे, ये यहाँ सो रही है और कैटी इसकी बॉडी गार्ड बनी हुई है, क्यों कैटी बेटा उसी को देखती रहती हो, और ये दूसरे बॉडी गार्ड नहीं रोशनी वहाँ से यहाँ नीचे आ रही है, और ये दूर है इससे आराम से सो रही है सेफ एंड साउंड, और मैं मेरे सिर दर्द के साथ, अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है ऐसी बांध के रखा कर दिन भर, मैं वैसे कान नहीं बांध सकती पर ऐसे कान बांध के रख सकती हूँ सिरों का,
ऐसे ऐसे सिर बांध के रखूंगी, अच्छा लग रहा है ना, मैं ऐसे सिर बांध के रखा करूंगी। अब समोसे भाभी जी नहीं बना रही, बेबी दीदी उन्हें, भाभी जी सिर्फ डाल रही है। दे रही नहीं, नहीं धीम आया, तेज में डालेंगे तो फिर ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा ना। कितने अच्छा लग रहा था समोसे सीखते हो, ये बेबी दीदी भी और बना रही है, तल गए समोसे निकाल रही हूँ, बेबी दीदी दिखा रही। ये देखो समोसे, ऐसा लग रहा है मैं समोसे बेचने जा रही हूँ। हाँ बेबी दीदी हम उनके समोसा बेचेंगे, हम पैसा काटेंगे, बेबी दीदी समोसा बना बना बेचेंगे। निकालिए आप समोसे, बाकी फिर धीरे धीरे और तलते जाएंगे। समोसे बन गए, अब हम समोसे खाने जा रहे हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।